जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है व्लॉगर मॉम। तो आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है चाय। इसे हम कश्मीरी में शीर चाय कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले चाय पत्ती दिखाई कि ये किस टाइप की होती है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा सोडा भी चाहिए और साथ में एक सॉस पैन और थोड़ा सा पानी। तो गाइस, अब हमने क्या किया कि घर पे अभी मेरे 3 मेंबर्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने 3 स्पून्स जो हैं क्वार्टर जो है चाय पत्ती ले ली है। साथ में फ्रेंड्स, मैं इसमें चुटकी से थोड़ा ज़्यादा सोडा यूज़ करूँगी। आप चाहें तो सोडा स्किप भी कर सकते हैं, बट सोडा इसलिए डाला जाता है कि थोड़ा जल्दी से जो है ये पत्तियाँ जो है अपना कलर छोड़ने लगती हैं, और जिसके पास टाइम है तो वो इसे स्किप भी कर सकता है। तो मैं अभी इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि इससे कितनी जल्दी चाय का कलर निकलता है और कितनी जल्दी बन के तैयार भी हो जाती है। जो आमतौर पे हम लोग चाय पीते हैं उसमें हम लोग चीनी का यूज़ करते हैं, बट जो ये देसी चाय है जिसे कश्मीरी में शीर चाय कहते हैं, इसमें हम नमक यूज़ करते हैं। तो गाइस, अब हमने क्या किया, सॉस पैन में चाय पत्ती डाली, सोडा और थोड़ा पानी, और अब गाइस हमने इसे बॉइलिंग के लिए रख दिया है। देखिए गाइस, अब इसमें उबाल आएंगी और पत्तियां अपना कलर छोड़ना शुरू कर। गाइस, अब हमारी चाय बॉईल हो रही है, इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। जैसा कि मैं आपको पहले ही भी बता चुकी हूँ, इसमें कलर चाहिए। तो देखिए गाइस, अब इसमें थोड़ा सा कलर निकलना शुरू हो गया है। गाइस, जिस कलर की मैं बात कर रही थी आप सॉस पैन में साइड साइड में देख सकते हैं, वही थोड़ा पिंकिश थोड़ा रेड कलर, यही चाहिए हमें। लगभग तैयार गाइस, अब हमारी चाय बनके तैयार है। हमने इसमें क्या किया, जो आप गिलास मेरे हाथ में देख रहे हैं उसी गिलास से मैंने इसमें 1 गिलास दूध का डाल दिया और 1 गिलास पानी। तो मुझे दूध थोड़ा कम लगा तो मैंने एडजस्ट कर दिया, थोड़ा दूध और इसमें डाल दिया। आप लोग भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दूध इसमें बड़ा और कम कर सकते हैं। इस स्टेज पे आप इसमें ग्रेट करके जिंजर भी डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाली, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यूज़ नहीं की। हाँ, मैंने इसमें कार्डमम ज़रूर यूज़ किया है जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी। लीजिए गाइस, अब इसमें बॉईल आ चुका है, तो आप देखिए मैंने इसमें क्रश करके 2 कार्डमम इलायची डाल दिए है। गाइस, आप इसमें ग्रेट करके अदरक भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास नहीं था तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। मैंने इसमें सिर्फ इलायची ऐड की है, जिससे क्या होता है कि एक तो खुशबू बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी एनहांस होता है। बहुत टेस्टी चाय होती है ये, और हमारी सुबह तो बिना शीर चाय के होती ही नहीं है। हमारे मॉर्निंग में और इवनिंग में, आफ्टरनून में सॉरी, चाय मस्ट है, ये चाय तो ज़रूरी ही है। अब मेरी केतली भी तैयार है, मैं एक्चुअली भूल गई थी इसे स्ट्रेन करना। तो गाइस, जैसा मैं आपको बोल रही थी कि मैं इसे स्ट्रेन करना भूल गई थी, फिर मैंने क्या किया, दोबारा से अब दोबारा से वापस डालने के बाद अब मैं इसे स्ट्रेन कर रही हूँ। गाइस, ये देख लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम सर्व करें और ये पत्ते मुंह में आए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। सो इट्स बेटर कि हम इसे पहले ही स्ट्रेन कर लें। तो गाइस, हमारी चाय बिल्कुल रेडी है, सर्व करने जा रही हूँ मैं, और आप लोग भी आइए और मेरे साथ चाय पीजिए और मुझे बताइए कि ये कश्मीरी शीर चाय जो है इसका टेस्ट कैसा लगा आपको। और इसके साथ जो है मैं सर्व कर रही हूँ कश्मीरी रोटी जिसे कुलचा कहते हैं, और साथ में रस भी है। देख लीजिए गाइस, ये चाय का कलर पिंकिश पिंकिश, और आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा टेस्ट और एनहांस करने के लिए, बट मुझे मलाई अच्छी नहीं लगती तो मैंने इसमें ऐड नहीं की। देखिए गाइस,
ये पहला कप आप लोगों के लिए। सो एंजॉय, टेक केयर, बाय।